हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब मैं आज का ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ और अब मिलते हैं प्रमोद भैया से, देखते हैं जो क्या स्पेशल बना रहे हैं। और आज का ब्लॉग है दिन का ब्लॉग और आज है संडे, आज है फंडे। चलिए ये देखिए दोस्तों, प्रमोद भैया ने जो है बेसन की भरवा मिर्ची, हाँ तो इसको पहले तरीका बताएं क्या किया है आपने। बेसन पहले सेकेंगे, फिर बेसन का मसाला बनाएंगे भरने के लिए, और ये रही भरवा मिर्ची बनाने के लिए। प्रमोद भैया ने मिर्ची ले ली है, देखिए कितनी हरी हरी है ये मिर्ची जो है, इसका मसाला बनेगा अभी। और ये रहे टमाटर और लहसुन मैंने छी लेनी है। और ये देखिए दोस्तों, प्रमोद भैया ने हमारी रसोई का काया कल्प ही बदल दिया। काया पलट क्या, काया कल्प ही कहते हैं यार। ये लगाया एग्जॉस्ट प्रमोद भैया ने और ऊपर ये कुछ सही किया ऐसे। और इस साइड लगाई है हमारी ट्यूबलाइट और अब लाइट ही लाइट है, जलत है दोस्तों ट्यूबलाइट को। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको प्रमोद जी, आपका फेस ग्लो कर रहा है। जीरा मुट्ठी भर के जीरा, हाँ, और इनकी मुट्ठी आप समझ ही सकते हैं। कितने इंचेस पे हाथ है आपका? मैंने डाल दिया, ऊपर कर दिया, टेंशन बदले। मैं क्या भूल जाता हूँ, आई एम वेरी कॉन्सेंट्रेटेड आदमी यार। सीधी सी बात है, इतनी थी इंग्लिश मेरी खत्म। चलिए दोस्तों, प्रमोद भैया ने लहसुन डाल दिए है, लहसुन डाल दिए हैं उन्होंने और अब वो बनाने जा रहे इसका मसाला। तो आज हम बनाने जा रहे भरवा मिर्ची, ठीक है। शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन शिमला मिर्च पहले हम बनाते थे, लेकिन उसका टेस्ट था ना थोड़ा मीठा रहता है हल्का सा। तो हम मारवाड़ी आदमी हैं, हमें थोड़ा तीखा टेस्ट चाहिए, क्यों प्रमोद भैया? हाँ, जबान से मीठे है लेकिन खाने में तीखा पसंद करते, साफ सी बात है। चलिए दोस्तों, तो प्रमोद भैया ने यहाँ बेसन सेक के रखा हुआ है अलग से, बर्तन पे ध्यान न देना, आज चूल्हा धुल चुका है आप देख सकते हैं। कल प्रमोद भैया ने अपनी पूरी जान लगा दी इसको साफ करने में, क्या है देखो, एक छुट्टी मिलती है तो उन्होंने पूरा यूटिलाइज किया उस छुट्टी का। सही बोलिए ले स्पेलिंग, चलो इसी के साथ प्रमोद भैया बनने के बाद दिखाते हैं। तो हमने इसमें जो है प्याज मिर्ची और टमाटर साथ में डाल दिए थे, नमक मिर्ची इसमें डाल दी, यह बेसन पड़ा है। अब इस बेसन को इसमें मिक्स करके और इसके लिए फिलिंग बना लेंगे। फिलिंग बना लेंगे इसके लिए इसके फिलिंग तो आपके पेट में बन रही है, ये देखिए दोस्तों बहुत ही मस्त मसाला बनता है ये। तो प्रमोद भैया ने मसाला जो है वो बना दिया है, आप देख सकते हैं क्या मसाला पक चुका है प्रभु। बिल्कुल राधा श्री ने पका है मसाला बिल्कुल। अब हम क्या आपने बातचीत भी की थी मसाले के साथ जब वो पक गया इतनी जल्दी? मेरी बातों से पक गया। चलिए दोस्तों, प्रमोद भैया ने बड्डी सी मिर्ची ले ली है, बिन मायने सगड़ो मसालो डाल रहे हो। चलिए ठंडा बना लेना पड़ेगा, हाँ थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा बिना, नहीं तो भाई हाथ मत लग जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं, भर कर दिखाते हैं आपको। दोस्तों प्रमोद भैया ने मिर्ची भिड़ दी है, मिर्ची भर दी है, ठीक है। और प्रमोद भैया ने तेल गरम कर लिया है, ठीक है, कुकर के अंदर। और अब प्रमोद भैया जो है इसका क्या लगाने वाले हैं, एक सीटी बुलाएंगे, तड़का लगा के एक सीटी बुला देंगे, ठीक है। तो अब तड़का लग रहा है दोस्तों, ये पानी किस लिए निकल गया मुझे भी नहीं पता। मैंने पहले अच्छा पानी होता है, थोड़ा सा पानी रहेगा तो इसको तेल में ही खाली छोड़नी है गर्म करके। ये क्या तेल में छोड़ के अब जीरा फिर डालोगे? नहीं नहीं, चेक करने के लिए डालो, तेल चेक में भी एक मुट्ठी में डाल देना। अब दूर हो जाओ एक बार, दूर हो जाओ एक बार। देखिए दोस्तों, प्रमोद भैया ने डाल दी है सारी मिर्ची ऐसे एक एक करके, ठीक है, फटाफट फटाफट फटाफट। और तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। पानी ऐड करोगे ना आप ब्रो की, या फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके ऊपर से बस, और कुछ। चलिए हाथ में कुछ है, ये रहा उनका हाथ और ये रहे प्रमोद भैया। प्रमोद भैया क्या है आपके हाथ में? हमारे टैबलेट का कवर आया है, और कवर उस दिन आया नहीं था, तो बेचारे नया टैबलेट जो है एकदम नए जैसा हो जाएगा। नहीं ये टैबलेट ये है, पुराना नहीं है, एक साल लेते हैं। वाह, अपने मजबूत और जोरदार हाथों का आपने किया जब तो देख तो सही। हाँ मैं देख रहा हूँ चिपका, ये निकल गया है, ये देखिए हमारे ट्रांसपेरेंट कवर, पहले ये वाला कवर था, ये देखो क्या हाल हो गए, एक साल पुराना हो गया। ये ऐसे था, अब ये ऐसे नहीं है, अब हमने अब ये जैसे है। और ये टेबलेट भी दिखा दो कैसा दिखता है, पीछे से भी दिखा दो कितना सुंदर दिखता है यार। ये बेचारी की हालत ही खराब कर दी थी बिल्कुल, देखते हैं इसकी फिटिंग पूरी आ चुकी है, फिटिंग कोई समस्या नहीं है इसके लिए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों,
अब हम दिखाएंगे आपको। कवर लग चुका है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सिर्फ लग नहीं रहा ना, क्योंकि हम इस्तेमाल ऐसे वापरते हैं दोस्तों, हमारे वापरने का स्टाइल। एक साल तो नहीं हुआ यार, कैसा लग रहा है? कब मंगाया था? सारा डेटा अपने पास उपलब्ध है, देख के बता। डेटा या डेटा? डेटा डेटा। देखिए दोस्तों, मस्त हो गया हमारा टैबलेट। बिल्कुल, चलिए। सब अगर इतना बड़ा मोबाइल यूज करें तो कैसे बात करेंगे, जेब में कैसे बात तो कैसे करेंगे। चलो, तो चलिए दोस्तों, बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। तो मिलते हैं कल। गुड नाइट, जय हिंद, बाय।